अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस रेगुलर ग्राफ। अलजेब्रिक ग्राफ थ्योरी की एक टर्मिनोलॉजी है कि डिस्टेंस रेगुलर ग्राफ। एक्चुअली हमारे पास जो डिस्टेंस रेगुलर ग्राफ है वो रेगुलर ग्राफ ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी ग्राफ है, उसके वर्टेक्स की डिग्री, हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। मीन मेरे पास ये एक C4 साइक्लिक ग्राफ है, इसको हम कहते हैं कि ये C4 है। तो ये साइक्लिक ग्राफ है जिसका आर्डर 4 है, और हमारे पास इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है बिगिनर्स के लिए, कि कोई भी वर्टेक्स है उसके साथ कितने एजेस इंसिडेंट हैं। तो हमारे पास V2 के साथ 2 एजेस हैं, तो हमारे पास इसकी डिग्री 2 है। V1 के साथ भी 2 एजेस हैं, तो 2 डिग्री है। सेम V4 एंड V3 के लिए भी 2 2 डिग्री है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से डिस्टेंस रेगुलर कहता है। अ डिस्टेंस रेगुलर ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ सच दैट फॉर एनी टू वर्टिसेस वी एंड डब्ल्यू, द नंबर ऑफ वर्टिसेस एट डिस्टेंस जे फ्रॉम वी एंड एट डिस्टेंस के फ्रॉम डब्ल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन जे के एंड आई इक्वल टू डी वी एंड डब्ल्यू। हमारे पास कोई भी ग्राफ है, उसमें डिस्टेंस रेगुलर कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। या हमारे पास कोई ग्राफ है उसमें वर्टेक्स की डिग्री सेम ना भी हो, मीन हमारे पास 2 है, 3 है या 4 है, वो एक और टर्मिनोलॉजी है ग्राफ की। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसको उस ऐसे ग्राफ्स जिनके में वर्टेसेस की डिग्री डिफरेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं। तो उनके लिए बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास ये C4 ग्राफ है, इसमें VFG मीन वर्टिसेस ऑफ ग्राफ V1, V2, V3, V4 ये वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद CD1 क्या लिखेंगे। कोई हमारे पास डिस्टेंस रेगुलर ग्राफ है, तो उसमें ये नोटेशन है डिस्टेंस रेगुलर के लिए कि मीन हमारे पास कोई ग्राफ है, इसके लिए हम कहते हैं तो CD1 इज इक्वल टू V बिलोंग्स टू VFG, D ऑफ VI इज इक्वल टू 2। मीन उसमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री डी है वो 2 है, तो वो हमारे पास 2 रेगुलर है। अगर हमारे पास कोई एक और ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो उसको हम 3 रेगुलर। अगर कोई एक और ग्राफ हम लेते हैं जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 4 है, तो उसमें हमारे पास 4 रेगुलर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिसमें कोई एक ऐसा ग्राफ लेता हूँ जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो ये देखें हमारे पास एक ग्राफ होता है कंप्लीट ग्राफ। तो ये देखें कंप्लीट ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए ये है K4। तो कंप्लीट ग्राफ बनाने का तरीका है कि हर वर्टेक्स ग्राफ में जितने भी अदर वर्टिसेस होते हैं उन सब के साथ एडजेसेंट होता है। ठीक है, V3, V4। तो ये मेरे पास हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3 है, ये भी 3 है, 3 है, 3 है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं K4, कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 4। तो इसमें ये है हमारे पास 3 रेगुलर ग्राफ है। इसके बाद देखें कि हमारे पास बाई रेगुलर ग्राफ कैसे डिफाइन करते हैं। बाई रेगुलर ग्राफ कहता अ ग्राफ जी विच हैज द टू टाइप्स ऑफ डिग्रीज वर्टिसेस इज कॉल्ड बाई रेगुलर ग्राफ। ऐसे ग्राफ जिसमें वर्टिसेस की डिग्री दो तरह की हो, मीन हमारे पास टू टाइप्स डिफरेंट डिग्रीज के वर्टेक्स हों किसी ग्राफ में, तो उसको हम बोलते हैं बाई रेगुलर। मेरे पास एक ग्राफ है ऑर्डर 5 का, इसमें देखें कि एक वर्टेक्स है, इसकी डिग्री 3 है। ये मैंने 3 3 जो लिखा है, 3 3 एंड 4, ये डिग्रीज को मेंशन कर रहा है, इन वर्टिसेस की डिग्री। ये एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, मीन इसमें 3 एजेस हैं अटैच इसके साथ, तो 3 डिग्री है। इधर भी 3 एजेस हैं, 3 डिग्री है। इधर हमारे पास ये एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 4 है, इसमें देखेंगे इसके साथ 4 एजेस हैं, तो इसकी डिग्री 4 है। तो इसमें देखें कि इस पूरे ग्राफ में सिर्फ दो तरह की डिग्रीज हैं, एक 3 है और एक 4 है। तो इट्स मीन इस ग्राफ को हम कब बोलेंगे, ये बाई रेगुलर ग्राफ है। एक और टर्मिनोलॉजी है कि देखें टी पार्टाइट ग्राफ। कोई ग्राफ है उसमें हमारे पास उस ग्राफ को टी पार्टाइट कब बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं इन ग्राफ जी द वर्टिसेस हैज मोर देन टू टाइप्स ऑफ डिग्रीज इज कॉल्ड टी पार्टाइट ग्राफ।
मीन हमारे पास कोई ग्राफ है उसमें दो तरह से ज्यादा की डिफरेंट डिग्रीज के वर्टिसेस होंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो ग्राफ टी पार्टाइट ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक पास एक ग्राफ है जिसमें सिक्स वर्टेक्स हैं, एक ये है ठीक है, इस तरह से ये है यहाँ पे ठीक है, तीन और तीन छः। इस तरह से हम एक ग्राफ जी कंस्ट्रक्ट किया कि हमारे पास ये देखें, इस वर्टेक्स की डिग्री थ्री है, इस वर्टेक्स की डिग्री थ्री है, इसकी भी थ्री है, ये फोर है, फोर है, और इस वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास फाइव है। तो इसमें देखें कि तीन तरह की डिग्रीज डिफरेंट हैं इन वर्टिसेस की, एक तीन है, चार है और पाँच है। अब देखें तीन तरह की है तो इस इट्स मीन ये जो ग्राफ है ये थ्री पार्टाइट ग्राफ है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। तो अगर हम आपको समझ आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।